इंग्लैंड के क्रिकेटर पीटर रॉबक जब इंडिया आए तो उन्होंने एक रोचक वाक्य सुनाया। जब वह ट्रेन में शिमला से दिल्ली जा रहे थे तो हमेशा की तरह ट्रेन कुछ मिनट के लिए एक स्टेशन पर रुकी। सचिन 98 रन पर खेल रहे थे और अपने शतक के करीब थे। सभी यात्री, रेलवे कर्मचारी और ट्रेन में सवार सभी लोगों ने सचिन के शतक का इंतज़ार किया और शतक पूरा होने के बाद ही ट्रेन आगे चली। रॉबक ने सचिन के बारे में आगे कहा, दिस जीनियस कैन स्टॉप टाइम इन इंडिया। जी हाँ, क्रिकेट के इतिहास में बहुत खिलाड़ी हुए लेकिन सचिन जैसा कोई नहीं। आज इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, आप सचिन के बारे में 7 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। नंबर 7, जब पाकिस्तान की तरफ से खेले सचिन। जी हाँ, ये वाक्या हुआ 1987 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा था और लंच के बाद जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर मैदान में नहीं थे तो स्टैंड बाई फील्डर के तौर पर सचिन ने पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग की। ये बात उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में भी बताई है। नंबर 6, जब नाबालिग होने के कारण नहीं पी सके शराब। दरअसल हुआ यूं कि अगस्त 1990 में सचिन ने अपना पहला शतक बनाया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ओर से उन्हें एक शैंपेन की बोतल भेंट की गई, लेकिन उस समय सचिन नाबालिग थे इसलिए इंग्लैंड के कानून के हिसाब से वो इसे नहीं पी सके। और 8 साल बाद बेटी सारा तेंदुलकर के पहले जन्मदिन पर उन्होंने ये शैंपेन पी। नंबर 5, थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज। जी हाँ, थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट पहली बार क्रिकेट में 1992 में इस्तेमाल किया गया और वो एक टेस्ट मैच था। मैच था भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका और अंपायर थे सायरिल मिचली। खेल के दौरान जब सचिन 11 रन पर खेल रहे थे तो उन्होंने बॉल को बैकवर्ड पॉइंट में धकेल कर सिंगल चुराने की कोशिश की, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रवि शास्त्री ने रन लेने से मना कर दिया। ऑन फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर कॉल लाइबेनबर्ग को रेफर किया और सचिन रन आउट करार दिए गए। नंबर 4, विकेट की कीमत 1 रुपये। बचपन में उनके कोच आचरेकर जी उनको शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करवाते थे। जब थक जाते थे तो उन्हें आउट करने वाले गेंदबाजों को 1 रुपये दिया करते थे और अगर सचिन पूरे सेशन में आउट नहीं होते थे तो वह 1 रुपये सचिन को मिलता था। सचिन को इस तरह से कुल 13 रुपये मिले और वो पैसे सचिन ने आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। नंबर 3, डेब्यू मैच कंट्रोवर्सी। सचिन तेंदुलकर के डेब्यू मैच के दौरान एलन मुलानी नामक खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि सचिन का बैट सामान्य बैट से ज़्यादा बड़ा है और चौड़ा है। दरअसल सचिन के बैट का वजन लगभग 3 पाउंड यानी 1451 ग्राम था, जो किसी भी क्रिकेटर द्वारा यूज़ किया गया सबसे वजन वाला बैट था। नंबर 2, उपन्यासकार के बेटे सचिन। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता है कि सचिन एक मराठी उपन्यासकार के बेटे थे। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक उपन्यासकार थे। उन्होंने कई संग्रह प्रकाशित किए जिनमें से बाल कमीची कविता, मानस लहरी, प्राजक, मराठी रोमांटिक काव्य प्रतिभा प्रमुख हैं। नंबर 1, तेज गेंदबाज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आज तक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो तेज गेंदबाज बनना चाहते थे? जी हाँ, जब वह MRF पेस फाउंडेशन गए तो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी डेनिस लिली ने उन्हें गेंदबाजी के बजाय अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने के लिए कहा और उसके बाद से सचिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। सचिन के बारे में या इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइएगा और अगर आप क्रिकेट और क्रिकेट की घटनाओं से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।